गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइनर अभी सुबह सुबह देखो सुबह हुई भी नहीं है सही से। और हम जो बाइक लवर होते हैं भाई, हम सुबह ही निकल लेते हैं, वैसे कोई काम बताते हैं हम उठेंगे नहीं, लेकिन राइड के लिए तो हम ऑलवेज रेडी। तो आज ना व्लॉग आप लोगों को पूरा देखना, क्योंकि इसमें खाली संडे राइड नहीं होगी, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। आज मैं अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन, और फ्लाई बाय मार रहा है जुपिटर, तो आज अपनी बाइक में मैं कुछ मॉडिफिकेशन कराने जा रहा हूँ, जो कि आपको मैं आगे चल के दिखा दूंगा। वीडियो आप पूरी देखना लास्ट तक। अभी आज हम संडे राइड पे गुड़गांव जा रहे हैं वैसे, और उधर से ही चलेंगे, मुझे भी कराना है और रेजुल भाई जो है अपने उनको भी कराना है अपनी S1000RR में कुछ, तो हम दोनों उस साइड से निकल जाएंगे। बाकी मैंने आज व्लॉग लेट स्टार्ट किया है घर से, मतलब निकलने के बहुत देर बाद स्टार्ट किया है, निकल में पहले ही गया था, क्योंकि आज हमें बहुत सारे राइडर ज्वाइन करने वाले हैं। आगे मिलेंगे हमें रुपेश भाई, और वाइजर बंद करके बात करता हूँ, आगे मिलेंगे हमें रुपेश भाई, उससे आगे मिलेंगे हमें हमारे सचिन भाई, उससे आगे मिलेंगे हमें रेजुल भाई। तो अभी चलते हैं, बाइक को डाल दिया मैंने लो मोड में, क्योंकि यहाँ तक मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, और आगे ये लोग अभी निकले नहीं, मुझे वेट ही करना पड़ेगा, तो आराम से जाऊँगा। तो चलते हैं पहले, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ब्लॉग को, स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया क्या क्या होने वाला है। और ये देखो बेहतरीन सुबह का नज़ारा, ओए होए, एलिवेटेड रोड, इतनी प्यारी रोड ये बना रखी है, और ये बेहतरीन सुबह। और अभी चलते हैं सीधा गुड़गांव, पहले से फ्यूल पिलाएंगे बाइक को अपनी, पेट्रोल ही इसे डलवाऊंगा मैं दिल्ली से, क्योंकि मेरे को गाज़ियाबाद में स्पीड मिल नहीं रहा था जहाँ एक्सटेंशन में कहीं भी, तो अभी नीचे उतरते पेट्रोल पम्प पे, वहाँ से पेट्रोल डलवा के रुपेश भाई से मिलते हैं सीधा। चलो भाई प्लीज, देखो भाई सारे भाई आ गए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रुक जाना पेट्रोल पम्प पे बिना बोले। क्या कोई भी जो भी पड़ेगा स्टार्टिंग में, साला कोई भी पड़े, चलो ये लोग क्योंकि स्ट्रीट पे भगाते हैं, मैं स्ट्रीट पे भगाता नहीं हूँ ऐसी, मतलब ट्रैफिक वाली रोड पर, मेरे में तेल डलवाना है पहले मुझे, इन लोगों ने मतलब आगे से डलना है। अब ये हमारे सचिन भाई लेट हो गए, ये हमारे अक्षरधाम पे वेट कर रहे थे, हम एम्स वाले उस पर आ गए बारह पुल्ला पार करके। अरे फोन क्यों अड़ रहा है बीच में, ये देखो अब कैसे गोली भगाए हैं, क्योंकि मेरी बाइक चल रही है अभी एल मोड में, और इन्होंने लगा रखी है फुल में एफ में, सिक्स आर भी एफ में चल रही है इनकी भी, अपने पेट्रोल के चक्कर में चल रहा हूँ एल में, अब जैसे ही मेरा फ्यूल हो जाएगा फिर अपन भी एफ में आगे। तो मेरी बाइक में रिजर्व नहीं लगाया अभी भी, लेकिन इसलिए मेरे अंदर खौफ रहता है पता नहीं पेट्रोल का, जब से मेरी हार्ले 48 एक बार बंद हो गई थी बीच रोड पर, क्योंकि वो उसकी टंकी छोटी थी, एक तो टैंक भैंस क्या उसका बहुत छोटा था, 8 या 9 लीटर का टैंक था, इसका 17 लीटर का है, लेकिन फिर भी एक खौफ सा रहता है मेरे अंदर, इनका यार धक्के लग गए थे हार्ले पे, क्योंकि इसमें फ्यूल का पता ही नहीं चलता, ना कोई इंडिकेशन आता हार्ले में, 2017 की थी वो 48। और यार मुझे अपना टायर भी चेंज करवाना है आगे वाला, जैसे लीन कर रहे हैं ना, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वो साइड से खत्म हो रखा है, पीछे वाला मेरा ब्रांड न्यू है, एकदम ब्रांड न्यू, आगे वाला मेरे को कराना है चेंज यार। भाई यहाँ तो मेला लगा हुआ है बाइकों का, मुझे लग रहा है उस साइड है उधर पे ये भाई लेके आया है ना, एक काम करे आगे से घुमा के लेके आ जाए, फिर यहीं से निकाल लो बीच में से, और क्या है भैंस की, यहाँ क्या हो रहा है ये, अबे ये क्या मेला लगा रखा है यार, भैंस की यहाँ क्या हो रहा है ये, कैडी चीज ये क्या मेला लग रहा है, इतनी बाइक मैंने पहली बार देखी है,
बहन जो इतनी राइड कर ली आपकी, सही टाइम पे आए हैं। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और डेस्टिनेशन के आस्था पे पूरा मेला लगा हुआ है। ये देखो पीछे देखना मेरे बैकग्राउंड में क्या हाल मचा हुआ है। ये देखो अपना लाइन अभी है ना चारों का, ये कहाँ चलती है, इनको क्या हो गया, ये जल्दी आ रहे थे जल्दी जाएंगे क्या। ये अपने रेजुल भाई का भाई नया हेलमेट देख लो, चारों का टशन मार रहा पूरी। अब ये चलो भाई, एक ग्रुप यहाँ से गया, अब पूरा बर्नआउट वर्नआउट मार के गए हैं। तो आवाज़ पता नहीं मेरी आ रही है नहीं, इतनी बाइक है आशा, इतनी बाइक है, मतलब मेला लगा हुआ है सीरियसली। देख लो भाई सुपर बाइक का कैसे मेला लगा हुआ है यहाँ पे, देख लो, देख रहे हो क्या अंधगी मची हुई है भाई साहब। और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, लोग हमारी बाइकों के फ़ोटो खींच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को भी टैग कर देना, मुझे बहुत शौक है लेकिन मेरे कोई खींच नहीं रहा। लो भैया ओनर कोई भगा दिया। चलो यार फिर लेट हो जाएंगे आओ भाई, क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। और देखो रिएक्शन हुए हुए पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो, ये तो हर बार ही मिलते हैं। खैर अब तो आदत पड़ गई, पहले तो ऐसा लगता था वाओ कैसे देख रहे हैं लोग हमें, अब तो आदत पड़ गई। चूतिया के पट्टे होते हैं लोग घुस जा रहे हैं भाई, वापस से मेरी फेवरेट जगह हबीबी सस्ता दुबई हबीबी। सुपर कार नहीं है लेकिन सुपर बाइक जरूर है। और आज तो भाई ऐसा मेला सा लग रहा है यहाँ पे, मुझे लगा हम ही पहले उठे हैं लेकिन पब्लिक उठ रखी है पहले ही। यार यहाँ की रोड देख रहे कितनी सेक्सी है, ओए होए मतलब मजे आ रहे हैं। रेजुल भाई तो डरा रहा है फ्लाई बाय मारते वो भी अपने को। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और डायनर ऑफिस दोबारा रेडी हो गया हमारा। और आज आपको ना बाइक के साथ दिखाने वाला हूँ। ये देखो बर्नआउट पे आ गए, आज हमारे साथ सबसे खतरनाक राइडर ये रहा, ठीक है। जितने भी हैं इनमें सबसे खतरनाक राइडर है ये। और ऊपर बैठे हैं हमारी गाड़ी, हमारी बाइक सारी और लोगों की भी गाड़ी है। बर्नआउट हम उस दिन रात भी आए थे लेकिन दिन में कुछ ऐसा लगता है, हमने ऊपर बैठा है बढ़िया। अब दिखाने वाला हूँ बढ़िया चीज़ एक, दिखाना। ये देखो भाई ये S1000RR सबके पास है लेकिन ये है ना बहुत कम लोगों के पास है। कैसे करना क्या रहा है, कैसा भाई? भाई यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, देखो एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जो रंग बदल देते हैं ये रे क्रिकेट। ये देखो भाई, ओ भाई ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे कुछ दोस्त है। क्या नाम है इसका? इगुआना, क्रिकेट का भाई है ये। तो भैया पापा क्रिकेट के, तो पता भी ना क्या है इगुआना पिगुआना क्या है। उसकी भैंस की, हाँ इसकी पूछ देखना चलो। चलो भाई निकलते हैं ऐसे, बहुत रिव्यू बोली, अब चलते हैं सीधा मासूम भाई की शॉप पे मोटर किंग। देखो भाई बाइक को करा रहे हैं नंगी बिल्कुल, हम पूरे न्यूड करा देंगे पीछे से।